कैप्टन साहब आप आए हैं ट्रोमा में, देखिए मैं अभी संपूर्ण से मिला हूं मैं, उसने मुझे अपना बल्कि ये SBI कार्ड है वो भी उसने मुझे सौंप दिया और वो कार्ड मेरे पास है। तो मुझे बेहद इस बात की चिंता है कि अगर इस तरीके से गुंडागर्दी चलेगी, इसके बाद दस्तावेज थे अहीर कॉलेज सोसाइटी के, जो अहीर बोर्ड था, अहीर बोर्ड था जिसको डिसॉल्व कर दिया था, उसके बाद अहीर सोसाइटी बनाई थी और जो पट्टेनामे की भी कॉपी इनके पास थी, पट्टेनामे की कॉपी जो 1928 की थी, वो सारे दस्तावेज इनके पास थे। मीडिया सेंटर में जा रहे थे, कल मेरी इनसे बातचीत हुई थी, कहते हैं कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैंने कहा था कि आप अकेले मत जाना, ठीक है आप मुझे दे दो, हम अपने देखिए। वो इनने अपने हिसाब से क्या किया क्या नहीं किया, अपनी मर्जी से इन्होंने शायद कल कोई आपके यहाँ आपको सूचना दी होगी उन्होंने। तो जब मुझे पता लगा कि इनको जो है मारपीट हुई, मैं वहां पहुंच गया था। अब ये बता रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के जो गुंडे थे, भेजे हुए गुंडे, उनकी वजह से जो इनको चोट लगी है। तो ये तो जंगल राज है, अगर यहाँ का सांसद जो है इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को रखेगा तो आज कौन जो है अपने आप को सेफ समझेगा। तो मेरा जो है सरकार से निवेदन है कि जो 307 का मुकदमा दर्ज होने दिए, जो लोग 20 लोग इसको उठा के ले गए, वहां पर कैमरे सारे जो हैं, अपना मीडिया सेंटर में भी कैमरे लगे हुए, घर के ऑपोजिट भी वहां खून के धब्बे पड़े हुए थे और अभी भी आप देख रहे हैं कितनी दूर से वो चला रहा है। तो ये जो इस प्रकार की जो गुंडागर्दी का जो माहौल जो रिवाड़ी का आपको बताया, वो कहां छोड़ा इनको अगर उठा के ले गए थे? ये इनके पिता के घर मिले हैं, पुलिस को इनके पिता के घर मिले हैं। अभी ये पता नहीं वहां घर कैसे पहुंचे हैं, ये तो वो आदमी उठा के उसके घर छोड़ के क्यों आए, कोई गुत्थी सुलझानी पड़ेगी पुलिस को। कल 23 सितंबर है, रेडी करने जा रहे हैं राहुल जी। हाँ शहीदी दिवस मना रहे हैं, तो कौन सा तूफान करने वाले हैं? शहीदी दिवस शहीदों का तो ये अपमान कर रहे हैं। पहली बात तो शहीद परिवार से है ही नहीं, वो गोद हैं राव तुलाराम के गोद थे राव बलबीर सिंह, और राव बलबीर सिंह के गोद है राव वीरेंद्र सिंह। शहीद परिवार से कहां से हो गए, शहादत देने के लिए खून देना पड़ता है। उनके उनके जो राव तुलाराम ने देश के लिए शहादत दी थी, राव इंद्रजीत ने कुछ नहीं किया सिवाय लेने का काम किया इस इलाके में, और यहां की जो संस्था जो समाज की थी उसको हत्या ली इन लोगों ने। राव वीरेंद्र सिंह एंड संस के नाम से ये जो है संस्था होगी अब इन लोगों ने, और उसके सारे दस्तावेज आज संपूर्ण सिंह के पास थे, सारे वो आज थोड़ी भेद खोलने वाले थे, उनको आज मारपीट के उनकी आवाज दबाने की कोशिश करी। अब आप देखते हैं कैसी हालत होगी? अभी मैं मिलके आया हूँ, बड़ी बुरी हालत है, चिल्ला रहे हैं बहुत जोर जोर से। मैंने उनको बहुत, मुझे कहने लगा जी मेरा ये आप मेरा जो SBI कार्ड आप रख लीजिए, मुझे पता नहीं है कि मेरा कार्ड भी कोई ले लेगा मेरे से क्या ले लेगा, वो मैंने उनसे ले लिया है। हाँ और मैं मांग करूंगा कि पुलिस प्रशासन जो है इनको सिक्योरिटी प्रदान करे, इनको प्रोटेक्शन दी जाए। दबाव मनाया जा रहा है, देखिए पुलिस अगर दबाव में आएगी तो हम तो दबाव में नहीं आएंगे ना, हम लोग इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे। हम जो 27 तारीख को बंद का आह्वान भी हम लोगों ने कर रखा है, उससे पहले हम कोई मीटिंग रखेंगे और जल्दी इस मामले में निर्णय लेंगे कि किस प्रकार। मैंने SP साहब को पता ही नहीं था, मैंने फोन किया SP साहब को, उसके बाद पुलिस गई है मौके पे, मैं पहुंचा हूं पहले वहां, पुलिस तो वहां पहुंच गई थी। मुझे वहां के जो DSP हैं मिस्टर भाटिया वो बात ही नहीं कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा भैया आप मेरी बात सुनो पहले, भी आप कर क्या रहे हो भाई, ये मुझे आप बात बताओ मीडिया सेंटर के अंदर जहां पर जो लोकतंत्र का स्तंभ है, जहां लोग अपनी बात जाके कह सकते हैं, वहां पर भी अगर इस प्रकार की गुंडागर्दी होगी तो फिर न्याय कहां रह गया? तो कौन कौन फिरी मारने वाले को अब ये तो यही बताएंगे, मुझे तो पता नहीं।